हमारा अभी कश्मीर का दौरा था, वहां पे चुनाव है, हरियाणा का है, वहां भी चुनाव है। काफी लोग हमारे एनजीए नेशनल ग्रैंड अलायंस, जिसमें हमारी बहुत सारी पार्टियां हैं, हम उनको एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हर जगह एनपी हो, लेकिन अल पार्टियां को भी हम एक सहारा दे रहे हैं। इंडिपेंडेंट को भी हम कह रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट को भी आगे बढ़ाइए। उसी तरह से महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली की तैयारियां चल रही है। दिल्ली में भी हम 70 के 70 चुनाव पे काम कर रहे हैं। बिहार जो है 14 सितंबर से 18 सितंबर में जो वहां प्रवास करेंगे, उसमें बहुत सारे सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पे बात होगी। वहां के नौजवानों को किस तरह से रोजगार मिले, बिहार का विकास कैसे हो, वहां पे चोर उचक्के लुटेरे झूठबाज चालबाज जो लोग हैं उनको कैसे सबक सिखाया जाए, वहां पे नया समीकरण कैसे बनाया जाए, उन तमाम मुद्दों पे बात होगी। और खास करके कि बिहार का विकास, वहां का बदलाव, वहां का एक जो संस्कृति रही है उसको हम जिंदा करने के लिए हम तमाम लोगों से, चाहे बौद्धिस्ट समाज हो, चाहे हमारे कर्पूरी ठाकुर के समाज हो, चाहे अन्य जो है जयप्रकाश लोहिया के समाज हो, तमाम लोगों से हम लोग मिलने जा रहे हैं। और उन सब से मिलकर करके बिहार के आने वाले अक्टूबर 2025 के चुनाव को मद्देनजर हम 243 एनपी की तरफ से उम्मीदवार उतारेंगे और बिहार को सुंदर, खुशहाल और भयमुक्त, उसको स्वच्छ राज बनाते हुए विश्व का अव्वल राष्ट्र बनाने की हम लोग पहल करने जा रहे हैं। उसमें देखते रहिए, समय के साथ साथ आपको समय समय पे इसकी सूचनाएं मिलती रहेगी, हमारा वाइट मिलता रहेगा एटीवी अहरा के द्वारा, और अन्य जो हमारा जो है पब्लिक पत्रिका है या जून मैसी है या अन्य लोग हैं, उन तमाम लोग आप तक मैसेज पहुंचा रहे हैं, पहुंचाएंगे। और आप भी हमारे एटीवी अहरा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और संपर्क में रहिए। आपको ताजा अपडेट रहेंगे, आपको बिहार ही नहीं बल्कि भारत को कैसे हम विश्व गुरु बनाएं, सही मायने में चोर उचक्के लुटेरे और भ्रष्टाचारियों को बाहर कैसे करें, इन तमाम मुद्दों पर समय समय पे आपको डॉक्टर दुआ सामने हो।